बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आई एम मिस फरिया, योर एसएसटी टीचर। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप यू ऑल विल बी फाइन देयर। स्टूडेंट, ओपन द पेज नंबर 40 एंड टुडे विल स्टडी द न्यू चैप्टर एनवायरनमेंट। यू नो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एनवायरनमेंट? इन्वायरमेंट क्या होता है, यानी इर्द गिर्द का माहौल, जिसको हम सराउंडिंग्स भी कहते हैं। हमारे अतराफ के मनाजिर हमारा माहौल बनाते हैं। देयर इज़ अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, द सराउंडिंग और कंडीशन इन विच अ पर्सन, प्लांट एंड एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। और इसकी उर्दू में जो डेफिनेशन है वो है, माहौल के लुगवी मायने इर्द गिर्द के हैं, यानी हर वो चीज़ जो जानदार पर अपना असर रखती है माहौल कहलाती है। स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो दुनिया बहुत पीसफुल जगह थी, जहाँ पॉपुलेशन भी बहुत कम थी। लोग स्मॉल विलेजेस में रहते थे और लोगों का लाइफ स्टाइल जो है बहुत सिंपल था। देयर वॉज नो वेस्ट फ्रॉम फूड, नो पेपर, नो टिन्स, सो दैट्स वाई लाइफ वॉज वेरी ईजी। ग्रेजुअली पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी बढ़ती रही। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, लाइक लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड ETC। हेयर वी डिस्कस अबाउट लैंड पोल्यूशन एंड हाउ मोटर व्हीकल्स कॉज पोल्यूशन, एंड आर लास्ट टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ लैंड पोल्यूशन? लैंड पोल्यूशन क्या होती है? लैंड पोल्यूशन बेसिकली जो हमारे यूजलेस पेपर होते हैं, टिन्स होते हैं, कैंस होती हैं, हमारे वेस्ट होते हैं, ये सब जो है लैंड पोल्यूशन स्प्रेड होने की वजह बनते हैं। किस तरह? कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका कोई डिस्पोजल सिस्टम नहीं होता, इसका कोई प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से लैंड पोल्यूशन स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जो है मोटर व्हीकल्स जो हैं वो हमारी बिलियंस ऑफ मोटर व्हीकल्स हैं, और व्हीकल्स की वजह से जो है जो गैसेस जो है हवा में प्रोड्यूस होती हैं वो एटमॉस्फेयर में जो है एक ब्लैंकेट बना देती हैं, फॉर्म ऑफ ब्लैंकेट बना देती हैं, जिसकी वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग भी हमारी इंक्रीज होती जा रही है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ वगैरह होते हैं उसमें भी जो स्मोक्स निकलती हैं उधर से, वो स्मोक्स भी ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए और मैरीन लाइफ के लिए, यानी कि समंदर के लिए और समंदरी आबी हयात के लिए भी जो है वो डेंजरस होती हैं। ये स्मोक और गैसेस जो हैं वो ब्लैंकेट फॉर्म में जो है वो एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं, और इसकी वजह से सीरियस क्लाइमेट चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और इस जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह भी बनता है। नाउ स्टूडेंट्स, आर लास्ट टॉपिक टुडे लास्ट टॉपिक इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ओपन द पेज नंबर 42। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को जो है हम उर्दू में ज़मीनी तपिश में इजाफा भी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है? एक्चुअली फिज़ा में जो मुख्तलिफ हमारी गैसेस मौजूद हैं, इन गैसों की ज़्यादती की वजह से जो सन की जो रेजेज हैं वो ज़मीन से टकराने के बाद बाउंस बैक नहीं होती, यानी कि स्पेस में वापस नहीं जा सकती, जिसकी वजह से जो हमारा फ़िज़ा का दर्जा हरारत है या फ़िज़ा का जो टेम्परेचर है वो हमारा बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इस प्रोसेस को जो है वो ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है और ज़मीनी तपिश में इजाफा भी कहते हैं। अच्छा, इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके असरात क्या हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के? ग्लोबल वार्मिंग के असरात में एक वजह ये भी है कि गर्मी बढ़ने की वजह से, यानी टेम्परेचर जो हमारा राइज हो रहा है उसकी वजह से ग्लेशियर और पोलर आइस जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। उनके मेल्ट होने की वजह से जो हमारा सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, राइज अप हो रहा है, और जब सी लेवल बढ़ता है, राइज अप होता है, तो उससे क्या होता है, सैलाब आने का जो ख़तरा है वो भी बढ़ जाता है। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है जो लो लेइंग कंट्रीज़ हैं, जो प्लेन्स पे बने हुए हैं, जो आपके साहिल से नीचे की तरफ हैं, साहिल समंदर से नीचे की तरफ हैं, उनमें सैलाब का ख़तरा बढ़ जाता है,
और उनकी एग्जांपल्स कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? उनकी एग्जांपल्स हैं बांग्लादेश और मालदीव्स। ये लो लेइंग कंट्रीज़ हैं जिनमें अक्सर आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि वहाँ पर जो है फ्लड्स बहुत आते हैं, तो ये इसी की वजह से फ्लड्स आते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। स्टूडेंट, आप लोगों का असाइनमेंट नंबर 2 है, असाइनमेंट नंबर 3 है और उसका चैप्टर नंबर हमारा 2 है, एनवायरनमेंट। इसमें सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को वर्क दिया है वो है वर्ड्स मीनिंग। नंबर 1 वर्ड है प्रोबेबल और इसकी मीनिंग है हैविंग ग्राउंड फॉर बिलीव और इसके उर्दू मीनिंग है मुमकिना। नंबर 2 है मैन्योर और इसकी मीनिंग है हैविंग सब्सटेंस टू फर्टिलाइज सॉइल, यानी कि मैन्योर किसे कहा जाता है? खाद को कहा जाता है। नंबर 3 है बरियल, टू ले अंडर द अर्थ, यानी दफन करने का अमल। नंबर 4 है एक्सपेक्टेंट और उसके मीनिंग है हैविंग द प्रोस्पेक्ट, यानी मुतवक्को, जिसकी तवक्को हो। नंबर 5 है आपका ग्रिम और इसके मीनिंग है मर्सीलेस और इसके उर्दू मीनिंग है शदीद और सख्त। स्टूडेंट्स, नंबर 2 जो आप लोगों का वर्क है वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट लैंड पोल्यूशन एंड हाउ मोटर व्हीकल्स कॉजेस पोल्यूशन। ये दोनों क्वेश्चंस जो है मैंने आपको समझा दिए हैं। नाउ स्टूडेंट, नंबर 3 वर्क है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में क्या है? व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, हाउ इट इज अफेक्टिंग पीपल्स लाइफ एंड एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने सब समझ लिया होगा, सब चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी। स्टूडेंट्स, ये वर्क आप लोग नीट एंड क्लीन कीजिएगा और साथ साथ लर्निंग भी करते रहें। थैंक यू।